Hello students, good morning. Welcome to the online classes of RCI Education Hub Bansur. चलिए continue करते हैं बेटा chapter number one. Chapter is the living world. Before that we will discuss about what are the living things and we also discuss about the characteristics of living things. Is that clear? उसके बाद second video में हमने discuss किया था taxonomy and systematics. So I hope आपको taxonomy and systematics clear हो गया होगा. Taxonomy में हमने discuss किया identification, classification and nomenclature. जबकि systematics में हमने discuss किया it is the branch of biology in which we study about the evolutionary relationship between the organisms. Okay? चलिए आज हम बात कर रहे हैं taxonomical categories की. Taxonomical categories I hope आपको remind होंगी. नहीं है तो देखिए एक sentence मैंने आपके लिए तैयार किया है. King's people. Okay? King's people die. बिकॉज ऑफ है तो आप बी को हटा दीजिए. कॉज ऑफ फाइव ग्रीन स्नेक्स. इट मीन्स इफ यू कैन राइट इन द असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, नॉट इन असेंडिंग, फर्स्ट आई विल राइट इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. किंगडम, देन फाइलम फॉर एनिमल्स एंड डिविजन फॉर प्लांट्स. ओके, इसके बाद देखिए याद करते चलिए. किंग्स पीपल डाई कॉज ऑफ फाइव ग्रीन स्नेक्स. अंडरस्टैंड? सो देखिए, यानी यहाँ पे हम टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की बात करेंगे और टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं. देखिए, अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे देन यू हैव टू बी पुट योर एरो डाउन साइड एंड इफ यू हैव टू बी पुट इन असेंडिंग ऑर्डर इट मीन्स यू हैव टू बी चेंज द एरो. इज दैट क्लियर? यानी इसी को अगर आप चेंज कर देंगे वैसे जब द परफेक्ट वे इज टू राइट दिस इन दिस वे. ठीक है? स्पीसीज, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम एंड देन किंगडम. इज दैट क्लियर बेटा? तो देखिए ध्यान रखिए सबसे जो स्मॉलेस्ट कैटेगरी है दैट इज स्पीसीज. ओके, एंड एज वी मूव अपवर्ड देन किंगडम इज द हाइएस्ट और एट द टॉप मोस्ट ऑर्डर ऑफ द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज. ओके, चलिए डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बात तो आती है लर्निंग की, तो आप इस सेंटेंस से लर्न कर सकते हैं. द सेंटेंस इज किंग्स पीपल. ओके, किंग्स पीपल सो के फॉर द किंगडम, पीपल फॉर द फाइलम, डाई दैट इज फॉर डिवीजन. ऑब्लिक मैंने इसलिए किया क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे आते हैं. ओके, कॉज कॉज फॉर क्लास, ऑफ ऑर्डर, फाइव फैमिली, ग्रीन जीनस, स्नेक स्पीसीज. इज दैट क्लियर? तो इस सेंटेंस से तो बेटा आप इनको याद कर सकते हैं. ओके, एंड लेट्स इसको कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं. देखिए एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जितनी में अगर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाएगी, कॉमन फीचर्स की बात की जाएगी, इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या कॉमन फीचर्स, तो सबसे ज्यादा जो कॉमन फीचर्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे स्पीसीज. इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग की एक स्पीसीज है, तो आपको पता है जितने भी ह्यूमन बींग्स आप देखते हो सबमें दो आंख होती है, एक नोज होता है, टू हैंड्स होते हैं, टू लग्स होती है. ओके, और इनका बॉडी स्ट्रक्चर भी लगभग सेम होता है. ठीक है, हाइट और कलर की अगर हम बात करें तो, यानी स्पीसीज अगर हम टाइगर की बात करें तो टाइगर की स्पीसीज एक अलग है, लियोपॉड की स्पीसीज अलग है, लोयन की स्पीसीज अलग है और कैट्स की स्पीसीज अलग है. इधर क्लियर? यानी स्पीसीज में आपको स्पेशली ध्यान रखना है वो बहुत ज्यादा फीचर्स जो मैच करते हैं. ओके, बहुत ज्यादा फीचर्स जो मैच करते हैं वो किसके करते हैं? स्पीसीज की. और स्पीसीज की एक खास बात आपको ध्यान रखनी है, देखा है इंटरब्रीड, इट मीन स्पीसीज के अंदर एक बहुत ही बेस्ट क्वालिटी होती है दैट दे कैन ब्रीड. यानी स्पीसीज को जो मेंबर्स हैं वो इंटरब्रीड कर सकते हैं. ठीक है, इंटरब्रीडिंग या इंटरब्रीड कर सकते हैं, इट मीन्स दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस. एक स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं वो उसी स्पीसीज के मेंबर्स के साथ रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज इंटरब्रीड और इंटरब्रीडिंग. तो स्पीसीज का आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट कैटेगरी है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, स्मॉलेस्ट है, साथ में इसमें क्या है, इसके फीचर्स जो है मोस्टली जो कॉमन फीचर्स हैं वो स्पीसीज के मेंबर्स में होते हैं और इसमें इंटरब्रीडिंग की कैपेबिलिटी होती है. नेक्स्ट चलते हैं जल्दी जीनस पे. यानी जैसे हम अपवर्ड की साइड मूव करेंगे, जैसे हम असेंड करेंगे एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, तो हमें देखेंगे कि जो कॉमन फीचर्स हैं वो डिक्रीज होते चले जाते हैं. ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे राइट डाउन
अकॉर्ड की बात करें तो अकॉर्ड क्या होगा, जो कॉमन फीचर्स हैं वो तो डिक्रीज हो जाएंगे, यानी जैसे जैसे हम ऊपर की कैटेगरीज में जाएंगे उनकी जो कोरिलेटेड फीचर्स हैं, जो एक दूसरे से मिलने वाले फीचर्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, अंडरस्टैंड। तो स्पीसीज है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ह्यूमन की स्पीसीज अलग लोगे, टाइगर की स्पीसीज अलग लोगे, तो एक स्पीसीज, एक पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करें तो क्या होगा, उसमें टोटल मेंबर्स जो होंगे वो उसी स्पीसीज के होंगे, ह्यूमन्स की बात करें तो होमो सेपियंस यानी जो ह्यूमन बींग्स है वो ही होंगे। सेकेंड जो कैटेगरी है वो जीनस, यानी यहाँ पे कुल मिलाकर कुछ फीचर्स जो होंगे वो स्पीसीज के कंपेरिजन में कम होंगे, लेकिन अगर हम एक जीनस की बात करें, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके पास है, अभी हमने देखा टाइगर की जो स्पीसीज है वो अलग है, लिंगकॉर्न की स्पीसीज अलग है, लायन की स्पीसीज अलग है, लेकिन पैंथर जो जीनस है उसके अंदर ये सारे स्पीसीज आते हैं, अंडरस्टैंड भाई। आपने जो स्पीसीज डिस्कस की थी, हमने जो स्पीसीज आपको बताई, तो वहां पे हम क्या बताएंगे, सारे टाइगर जो है वो एक स्पीसीज में, यानी अगर हम एक सिंगल स्पीसीज की बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल स्पीसीज, तो एक स्पीसीज की अगर हम बात करें तो सारे जो टाइगर है वो एक स्पीसीज में, तो यानी स्पीसीज के अंदर टोटल ये मेंबर्स है। लेकिन अगर हम जीनस की बात करें तो जीनस क्योंकि वाइड, एक सेकेंड हाई टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो गई, एक वाइड कैटेगरी हो गई, तो इसमें क्या होगा, एक जीनस, एक सिंगल जीनस की हम बात करें जिसका नाम है पैंथर, तो पैंथर में कितने ऑर्गेनिजम्स होंगे, पैंथर में टाइगर भी होगा, पैंथर में सारे लियोपार्ड भी होंगे, पैंथर में सारे लायंस भी होंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट, इज दैट क्लियर, क्योंकि नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन कॉमन फीचर्स भाई अगर हम टाइगर की बात करें, एक स्पीसीज की बात करें, तो टाइगर के मोस्टली फीचर एक दूसरे से मैच करेंगे, लेकिन टाइगर के सारे फीचर लियोपार्ड से मैच नहीं करेंगे और लियोपार्ड के सारे फीचर लायंस से मैच नहीं करेंगे, ठीक है, यानी जो इनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉमन फीचर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, उनके जो मैचिंग है वो कम हो रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगली स्पीसीज की बात करते हैं, सॉरी अगली टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज फैमिली। तो फैमिली में सेम बात है कि जो आपके फीचर्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं और साथ में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बढ़ रहे हैं, इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है फैमिली का, देखते हैं। देखिए जैसे अगर प्लांट्स की हम बात करें, इफ यू टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स, ठीक है, तो प्लांट्स की हम बात करें, जो सोलोनेसी फैमिली है, ठीक है, सोलोनेसी जो फैमिली है उसमें कितने जीनस है, देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि जीनस में एक से ज्यादा स्पीसीज होती है, हमारे राइट और जीनस में एक से ज्यादा स्पीसीज होती है, लेकिन जो आपकी थर्ड है फैमिली, फैमिली में एक से ज्यादा जीनस हो सकते हैं, जितने फैमिली में एक से ज्यादा जीनस हो सकते हैं, तो देखिए फैमिली सोलोनेसी की बात करें तो इसमें दतुरा भी जीनस है, इसमें अलग अलग प्लांट्स होंगे, बहुत सारी स्पीसीज होंगी, विथानिया भी एक जीनस है, इसमें भी बहुत सी अलग अलग स्पीसीज होंगी, और सोलेनम भी एक स्पीसीज है, उसमें सॉरी जीनस है, उसमें भी अलग अलग स्पीसीज होंगी। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, एक फैमिली में बहुत से जीनस होते हैं, एक जीनस में बहुत से स्पीसीज होते हैं, तो कुल मिला के नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और जो फीचर्स हैं कॉमन फीचर्स वो डिक्रीज हो रहे हैं। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, देखिए एनिमल का, फैमिलीज में, इसमें देखिए जो फैमिलीज की अगर हम बात करें, ठीक है, एक मिनट, तो फिलेडी और कैनेडी ये दो फैमिलीज है, लेकिन इनमें बहुत सारे जीनस है, इज दैट क्लियर, जैसे पैंथर जीनस है, पैंथर के अलावा और दूसरा जीनस भी है जिसमें कैट्स वगैरह भी आ जाती है, तो यानी कुल मिलाकर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फीचर्स, कॉमन फीचर्स डिक्रीज हो रहे हैं और साथ में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो रहे हैं। इसके बाद चलते हैं फोर्थ पे, ऑर्डर पे, तो देखिए अगर मैं आपको ऑर्डर का एग्जांपल दूं, अभी हमने देखा था एक हल्का सा आप समझिए, स्पीसीज की अगर हम बात करें, सबसे पहले लियोपार्ड, लियोपार्ड एक स्पीसीज है, ठीक है, लियोपार्ड पैंथर जीनस में है, लियोपार्ड किसमें है, पैंथर जीनस में, अब पैंथर में सिर्फ लियोपार्ड ही है, पैंथर में लायन भी है, पैंथर में टाइगर भी है, इज दैट क्लियर, अब पैंथर जो है वो कौन सी क्लास में है, फिलेडी, ठीक है, लेकिन अब अगर हम इसके बाद बात करें, देखिए ये तो क्या हो गया स्पीसीज, ये क्या हो गया जीनस, ये क्या हो गई फैमिली, अब अगर हम ऑर्डर की बात करें, ठीक है, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में क्या होगा, ध्यान रखना, ये जो फिलेडी है ये तो है ही, इसमें पैंथर जीनस भी है और भी कई जीनस है, लेकिन फिलेडी के अलावा क्या है, एक कैनेडी, कैनेडी भी एक फैमिली है जो इसमें आते हैं, इस ऑर्डर में आते हैं, और इस ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा। देखिए ये बेटा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, सिर्फ फिलहाल को लेकर तो पढ़ नहीं रहे होंगे, यू आर स्टैंडिंग फॉर द नीड और फॉर द ब्राइट फ्यूचर, जो भी आपने आगे सोचा है, तो उसके लिए आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि देखिए स्पीसीज में क्या होता है, कॉमन फीचर्स ज्यादा मैच करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की संख्या कम होती है, स्पीसीज के बाद जब आप जीनस पे जाते हैं तो ऑर्गेनिजम की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि एक जीनस में एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकती है, इज दैट क्लियर। उसके अलावा हम फैमिलीज की बात करें तो फैमिलीज में क्या होता है, एक से ज्यादा जीनस हो सकते हैं फैमिलीज में, और एक से ज्यादा फैमिलीज मिलकर क्या बनाती है, ऑर्डर, इज दैट क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसके अलावा नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है क्लास, तो
क्लास का एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए प्लांट्स में एक एग्जाम्पल है क्लास में डाइकोटिलेडन, ठीक है, डाइकोटिलेडन में सारे डाइफोर्स आते हैं, सारे डाइफोर्स आते हैं, सर क्लियर। अब वो सारे डाइफोर्स आपको पता है हमने क्या किया था, एंजियोस्पर्म को हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो यानी एंजियोस्पर्म में जो डाइकोट्स आते हैं, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, जो भी प्लांट्स है, वो आपके इसमें इस कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें देखिए अगर हम बात करें क्लास डाइकोटिलेडनी है, डाइकोट्स है, तो इसमें कौन कौन से देखिए, इसमें ऑर्डर आ जाते हैं रॉयल्स, पॉलीमोनियल्स, रेनियल्स, ठीक है। यानी इतने सारे ऑर्डर मिलके क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम है डाइकोटिलेडनी। क्लियर। क्लास के बाद आ जाइए फाइलम और डिवीजन पे, यानी इससे भी जो है हाईएस्ट कैटेगरी है फाइलम और डिवीजन। तो फाइलम जैसे फाइलम कोर्डेटा है, तो फाइलम कोर्डेटा में मैमल्स, एल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस सब आ जाते हैं, ठीक है। फाइलम कोर्डेटा में कौन है, मैमल्स है, एल्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है। वैसे अगर हम बात करें किंगडम की, जो कि हाईएस्ट हमारी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, टॉप मोस्ट कैटेगरी है, और इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम जो मिलते हैं, हाइएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हाइएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो मिलते हैं वो किसमें मिलते हैं, वो आपको मिलते हैं एनिमल। इज इट क्लियर। हाइएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो मिलते हैं वो मिलते हैं आपके एनिमलिया में। इज इट क्लियर। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपको जो भी एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए बेटा वो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। तो सबसे लोअर जो कैटेगरी है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी वो है स्पीसीज, सबसे हाइएस्ट है किंगडम। स्पीसीज में जो कॉमन फीचर्स हैं ऑर्गेनिजम्स के वो बहुत ज्यादा मैच करते हैं, बट एज वी मूव अपवर्ड, जैसे जैसे हम असाइन करते जाएंगे और हाईएस्ट लेवल की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो कॉमन फीचर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज हो जाएंगे। इज इट क्लियर। विद एग्जाम्पल आपको पूरा याद रखना है कि अंडरस्टैंड। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक सेंटेंस है जिसको आप याद करके टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को याद कर सकते हैं। ओके बेटा, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हैव ए गुड डे।